फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करूंगी क्योंकि डेली व्लॉग तो मेरा जाता ही है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आते हैं वो मैं शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। आज जो बात करूंगी वो है एक टॉपिक के बारे में, टॉपिक ठीक नहीं बोलूँगी, ये हमारे अभी का ज़रूरत हो चुका है, नेसेसरी भी बोल सकते हैं या हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट भी हो चुका है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी तो काफ़ी सारे, स्पेशली इंडिया या आसपास की जो भी कंट्रीज है, काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइज काफ़ी लैंग्वेज है। हर रीजन का अलग लैंग्वेज होता है। फर्स्ट लैंग्वेज होता है हमारी मदर टंग। घर पे हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो है हमारी मदर टंग या फादर टंग, जो भी बोलें। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज हमें सीखना पड़ता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जैसा हिंदी या इंग्लिश या गुजराती या जो भी रीजन का जैसा होता है, महाराष्ट्र में मराठी, इस तरह से काफ़ी सारे लैंग्वेज हम सीखते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसा मेरी डॉटर अभी फ्रेंच सीख रही है, मैं भी थोड़ा थोड़ा फ्रेंच सीख रही हूँ, अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि एक लैंग्वेज में आपकी ज़िंदगी ना समेट के और भी काफ़ी सारे लैंग्वेज अगर सीखेंगे तो वो आपकी एक बोलते हैं ना खजाना होगा। सीखने के कभी उम्र नहीं होता या सीखने के कभी एक बाउंड्री नहीं होता, जितना भी सीखे उतना कम ही होता है। कुछ चीज़ें हमारे लिए बाउंड्री होती है, वो है लैंग्वेज। स्पेशली अगर स्कूल में बच्चों को एडमिशन के लिए जाए या किसी जगह नए जगह जॉब के लिए जाए या मल्टीनेशनल कंपनी जॉब या कोई भी जॉब, जैसा मेरी एक जो फील्ड है यूट्यूब फील्ड, इसमें भी वही लैंग्वेज में भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। हमें तो फेस करना पड़ता है माने या ना माने, लेकिन फेस करके हम कैसे उससे ओवरकम हो सकते हैं वो मैं आज शेयर करूँगी। स्पेशली मैं एक बंगाली लड़की हूँ, मेरी जो स्कूल का लैंग्वेज था वो फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली था। सब कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई नहीं करते, जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे स्कूलिंग होता है। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था एक्सेंट एंड ग्रामर में। ग्रामर में फिर भी तो मतलब कुछ अगर ठीक रहा तो, लेकिन एक्सेंट पे कभी को, जैसा आपने देखा होगा इंडिया का अलग अलग रीजन का एक्सेंट इंग्लिश में भी अलग अलग होता है। जैसा साउथ का एक्सेंट अगर इंग्लिश एक्सेंट ही देखें तो एकदम टोटली अलग होता है, कभी कभार समझ में भी नहीं आता। जैसा बंगाली का भी अगर इंग्लिश एक्सेंट देखें, अगर प्रॉपर कोई अगर अच्छा इंग्लिश जाने तो उनकी बंगाली एक्सेंट नहीं रहता, लेकिन ज़्यादातर हम जैसे किसी का भी बंगाली एक्सेंट आ ही जाता है। स्पेशली हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। और हमारे स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक ऐप है कैम्बली इंडिया, उन्होंने मेरे साथ कोलैब किया है और मुझे ये ऐप अच्छा लगा है। इंग्लिश जानते तो है लेकिन कभी कभी बोलने में दिक्कत होते हैं या हमारी प्रोनाउंसिएशन टूटा फूटा होता है, उतना एकदम एक्सेंट भी अच्छा नहीं होता है। तो इस जो ऐप है इसके थ्रू हम स्पोकन इंग्लिश को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोचिंग के लिए अलग से टाइम फिक्स नहीं करना पड़ेगा, आपके पूरी दिन पे आप 24/7 ये ऐप के थ्रू आप सीख सकते हो। और इसमें आपको वर्ल्ड वाइड 100 से भी ज़्यादा आपको टीचर मिलेगा, वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी देश का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट सीखना चाहते हो, क्योंकि US का प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट अलग होता है, UK का अलग होता है या बाकी जो भी कंट्रीज होते हैं उनका अलग अलग टाइप का होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ से चूज कर सकते हो। एनी टाइम 24/7 दिन पे किसी भी टाइम पे 10 मिनट 15 मिनट के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे कभी भी घर का कुछ काम कर रहे या कुछ स्टडीज कर रहे उस टाइम पे थोड़ा सा ये ऐप को कर लिया, और अब अपनी पसंदीदा टीचर भी चूज कर सकते हो। जैसा आपको कोई टीचर अच्छा लगे उनके साथ ही आप अपनी टाइमिंग शेड्यूल सेट कर सकते हो। और ऐप में ट्यूटर ऑप्शन रहता है, वहाँ टीचर के प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हो उनकी एक्सेंट कौन सा कंट्री का है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, और उनका एक छोटा सा वीडियो भी रहता है। वो वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा आपके साथ उनका कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, उस तरह से आप चूज कर सकते हो। और नीचे आपको सारे जो टीचर्स हैं उनका डिटेल्स दिया रहेगा, अवेलेबिलिटी दिया रहेगा, ग्रीन एक मार्क जैसा दिख रहा है वो सारे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको कंट्री दिया रहेगा कौन सी कंट्री का है,
और प्रोफाइल दिया रहता है, आप प्रोफाइल में क्लिक करके देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, उनका क्वालिफिकेशन, उनका इंट्रो वीडियो रहता है और आप कॉल पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm very good. Thank you for asking. My name is Rob. What's your name? Matri. Matri, very nice to meet you. So, where are you from? Mumbai, India. Yeah. From Mumbai, India. Great. So, where I'm are from you London, from? England. Oh. London, in England. So, I can already hear that your level of English is pretty good. It's quite high. Or you decide to go for Cambly anyway to get that little bit extra. Yeah. And is it for work or for travel or for study? So why do you want to? It's for my work. I'm a YouTuber, vlogger. You're a vlogger, you're a YouTuber? Yeah. Wow. Talking to a famous person here. No, not at all. How are you? I'm fine, how are you? Great, thank you. What's your name? Matri. Matri. I'm Joy, nice to meet you. You can call any tutor. Yeah. If they are online at any time. Okay. And you can hear many different accents, okay. Native English accents. Okay. So if you want to improve in a certain accent or if you're going on holiday somewhere, okay. You can call all tutors from Australia maybe, okay. Or whatever you want. Yeah. And then Cambly, I would say, is best for practicing your conversation. And I would say that also for practicing if you're looking to do the IELTS exam or yeah. The Cambridge speaking exam. Basically, I think it's the best to improve students or people's speaking and confidence. I think it's most about confidence. Yeah, that's the most important. Definitely. And most of the Cambly tutors are super patient and kind. And it's a very nice environment. Especially yeah. If you're nervous. Yeah. Usually, I'm an English teacher, I teach children. Actually, I always have to be very calm, very softly spoken, so it translates into Cambly as well. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, and good luck. Yeah, thank you, bye-bye. Bye. और ये ऐप पे और एक फैसिलिटी है, आप जब भी कुछ जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो उसका रिकॉर्डिंग भी होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से वो रिकॉर्डिंग देख के चेक कर सकते हो, हाँ मेरा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है या मैं कहाँ पे गलत बोल रही हूँ, तो वो देख के और भी इम्प्रूव हो सकता है। तो होता है ना, मतलब रिकॉर्डिंग देख के पता चलता है, हम जब बोलते हैं उस टाइम पे उतना पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के बाद पता चलता है। जैसा मेरे हिंदी में भी प्रॉब्लम होता है, जैसा मैं जब बोलती हूँ मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं एडिटिंग करती हूँ या वीडियो को देखती हूँ तब मुझे पता चलता है हाँ मैंने ये जगह पे गलत बोला है। स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर और एक्सेंट, और ये एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी जो ग्रामर और एक्सेंट है वो इम्प्रूव कर सकते हो। और ये एक पेड एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कूपन कोड रहेगा, वो कूपन कोड यूज करके आप काफी अच्छा एक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये एप्लीकेशन को मैं कैसे करके यूज किया है उसका थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आपकी जो जॉब इंटरव्यू है, वीजा इंटरव्यू है, या टीचर के साथ ओपन हाउस में इंटरव्यू, या स्कूल में बच्चों को न्यू एडमिशन के लिए इंटरव्यू, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, या अपने दोस्तों को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा और कूपन कोड भी दिया रहेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, और ये ऐप को जरूर एक बार ट्राई करके देखना और मुझे जरूर कमेंट्स करना। और अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग डेली ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।